ललितपुर में ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा था कि अचानक मटेरियल ले जा रही क्रेन पलट गई, जिससे एक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुष मजदूर घायल हो गए, जिससे घटनास्थल पर कोहराम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं आपको बता दें कि आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय में भेजा गया। ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास एक ओवर ब्रिज का निर्माण राजस्व निगम द्वारा किया जा रहा था, जिसमें आप करीब 6:30 बजे शाम को एक पोकलैंड मशीन के पलटने के कारण जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई बिमला की और 6 अन्य घायल हैं जी। उसमें तीन सीरियस हैं जिनको झांसी रेफर किया जाए, 3 की स्थिति ठीक है जिनको यहाँ इलाज किया जाए। सर प्रथम दृष्टा किसी गलती मानी जा रही है? देखिए अभी तो हमारा पूरा फोकस जो है इनके इलाज पे है, इसकी हम जो है कमेटी बना के जाँच कर लेते हैं, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? अमा फूला। कहाँ की निवासी हो? अम्बेडकर नगर नेहरू नगर। क्या घटना हुई? इस घटना में हम लोग ओवर ब्रिज पे काम करके आए थे, तो हम लोगों ने की तहरी के हम 5 बजे भर गई ठेकेदार ने हमारे जबरदस्ती नहीं भगंदा और वहाँ से क्रेन पलटी तो 6-7 लोग घायल हो गए, एक खत्म हो गई। कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ? वहाँ वो तो लोग काम तो कर रहे थे, 13 औरतें हटी, 6 बेलदार हटे, इतने कर रहे थे काम। कहाँ से हैं आप? अम्बेडकर योगी। क्या होगा बताओ, क्या होगा? जो ओवर ब्रिज वाले हैं जो रात रात में काम करवा रहे हैं, चोरी से काम करवाए, जैसे चोरी का होता है 5 बजे तक का काम होता है, लेकिन मजदूर लोगों को भागने नहीं देते हैं। आज जाने क्या हो गया? क्या हुआ, घटना क्या हुई? अरे वो हाइड्रा पलट गया, वो घट्टी बनाने वाला होता है जॉन। क्या हुआ उसमें, कौन दब गया उसमें? मेरी दादी और 10-12 लोग और थे, बचाओ सभी को। राम नाम। कैसे हुआ जी घटना? सर दनवार से काम चल रहा था, वो बस एक लाइट का ताल था, तार उससे हम दरबार से कह रहे कि सर ये तार हटा लूँ, मगर उस तार को इधर इधर कर दे रही। फिर बस काम करते करते शाम हो गई, 5 बजे लेबर भागने लगी। ठेकेदार आया जबरदस्ती गेल में से रोक कर काम कर दिया, लालच दिया 150 रुपये की, तो वो पैसा भी कम देते हैं। अंधेरे में काम करवा रहा है? अंधेरे में काम करवा रहा है। 7-8 बजे शाम को क्या हुआ? 7:30 बजे 7:30 बजे घटना 7 बजे सर। क्या हुई? ऊपर से मशीन आई, ऊपर तो देख नहीं रहे थे सर, वो बस सीधी लुढ़क गई, पलट गई, पूरी पलट गई क्रेन, वो आदमी चप गया। तो क्या घटना, क्या हुआ? कुछ लोग मारा गए, चले गए। कितने लोग घायल हैं? 13 औरतें थी और 6 लड़के थे। तो कितने घायल हैं? कितने घायल? 12 13 13